अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली थोड़े बिजी थे, पीछे पाकिस्तान मकान शुरू किया हुआ था तो उधर गए हुए थे। तो दूसरा भाई भी अभी जा रहा है, कल उसकी फ़्लाइट है सियालकोट से दुबई, दुबई से वो बार्सिलोना से आगे एक स्पेशल कंट्री में जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह आपको व्लॉग मिलेगा। ही इज़ ट्रैवलिंग टू मैक्सिको। एनी हाउ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोंटीनेग्रो। यूरोप की एक कंट्री है जैसा कि आपको पता है। और सबसे मज़े की बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, वट एवर आई एम डूइंग, इट्स ओनली फॉर दुबई रेजिडेंस, फॉर द यूएई रेजिडेंस। पाकिस्तानी कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वल्ला आई डोंट नो वो उधर क्या क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ ये मैं दुबई से या यूएई से जो प्रोसीजर होता है वो आपको बताता हूँ। ये भाई यारी, इसका माशाल्लाह जापान का वीज़ा लगा हुआ है, बड़ा खुश है। तो आज बात हम करते हैं मोंटीनेग्रो का वीज़ा, आपने कैसे अप्लाई करना है दुबई से यूएई से और क्या प्रोसीजर है। इवन आपको पता है कि हम यूएई रेजिडेंस को उसका वीज़ा नहीं चाहिए, बट उधर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वो डिपोर्ट कर देते हैं, तो उससे बेटर है। इसका प्रोसीजर सुन लें, बहुत ईजी है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसका प्रोसीजर है वो है जी 160 दिरहम आपने पे करने हैं एफएबी बैंक में, फर्स्ट अबूधाबी बैंक में। उधर से बस होंगे और कहीं पे से भी नहीं होंगे। फर्स्ट अबूधाबी बैंक में जाना है, उनको आपने कहना जी मैंने कैश डिपॉजिट करनी है, वो आपको उधर ही बैंक में ही आपको एक स्लिप देंगे। उसके ऊपर जस्ट बिल्कुल सिंपल है, आपने अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एमरेट्स आईडी नंबर लिखना है और उसके बाद मोंटीनेग्रो का अकाउंट नंबर होगा, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इट्स वेरी सिंपल, ओके। आपने उधर जाना है, सारा कुछ फिलअप करके उधर बैंक में जाके आपने 160 फी पे कर देनी है, आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। उसके बाद अब आ गया नेक्स्ट स्टेप, आपने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम लाइक शेंजन है, कवरिंग लेटर बनाना है, बिल्कुल सिंपल से चार पांच जगह उसमें मेंशन कर दे जी मैंने ये जगह मेंशन जगह पे जाना, अपनी कंपनी का नेम, अपना नेम, ये हो गया। कवरिंग लेटर के ऊपर भी अलहदा से वीडियो बनाएंगे, ओके। कवरिंग लेटर हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई, होटल बुकिंग हो गई, booking.com से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जैसे आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से वो एज ए गारंटी लेते हैं। ये तीन हो गए, NOC हो गई कंपनी की। उसके बाद टिकट हो गई, वो आपने कर लेनी है कहीं वो उधर से booking.com से उधर रिजर्वेशन हो जाती है, टिकट नहीं चाहिए होती, सही है। यही पांच छह डॉक्यूमेंट है कंपनी की, NOC, और आपने उनको बताना है कि आपको किन डेट का वीज़ा चाहिए, किस डेट से किस डेट का चाहिए। एटलीस्ट डेढ़ मंथ के बाद का उनको टाइम दें क्योंकि ये आजकल एक महीने से भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके और वो जो आपने बैंक की स्लिप पे किया हुआ है वो भी करके रेडी, आपने इनको PDF बना लेना है। और मज़े की बात ये है कि आपने इनको सेंड कैसे करना है, जो भी आपने अभी लेट्स सपोज आपने वो जो बैंक में फीस पे की है उसका जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया ना उसको सेव पता कैसे करना है। आपका अगर नाम है अहमद अली, आपने वो डॉक्यूमेंट सेव अपने लैपटॉप या मोबाइल में कैसे करना है, अहमद अली बैंक रिसीप। फिर जैसे होटल बुकिंग है वो भी आपने ऐसे ही करनी है, अहमद अली होटल बुकिंग। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट इसके लिए चाहिए, वो भी आपने ऐसे सेव करनी है, अहमद अली बैंक स्टेटमेंट, अहमद अली ट्रैवल इंश्योरेंस, अहमद अली जो भी वो NOC, ऐसे आपने सेव करना है। उसके बाद इनकी ईमेल के ऊपर आपने वो डॉक्यूमेंट सारे सेंड कर देने हैं। यही बस इसका प्रोसीजर है और इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। जैसे ही आपने इस टिकट डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो एक या दो दिन के बाद। और हाँ, एक और बात, जिस ईमेल में आपने इनको सारे वो डॉक्यूमेंट अटैच करके सेंड करने हैं उधर उसमें आपने मेंशन करना है अपना नेम अहमद अली, पासपोर्ट नंबर जो भी है आपका, ये लाजम उसमें आपने मेंशन करना है ईमेल सेंड करते हुए नीचे उसके। फिर वो आपके एक्सेप्ट करेंगे और आपको एक या दो दिन के बाद मैसेज आ जाएगा, थैंक्स फॉर अप्लाइंग, दैट मीन कि आपका वीज़ा अप्लाई हो गया हुआ है। और तकरीबन सम टाइम तो मेरे एक दोस्त का ऑलरेडी अप्रूव हुआ है, तकरीबन 9वें दिन उसका अप्रूव हो गया और सम टाइम वो एक मंथ भी ले लेते हैं, सही है। उसके बाद आपको वो ईमेल ही करेंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया हुआ है, अपना पासपोर्ट लेके जाना है आपने उधर अबूधाबी में। सेम टाइम विद इन 10 से 15 मिनट में आपको उसका जो है ना स्टिकर वीज़ा पेस्ट कर देंगे। तो यही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अभी डे बाई डे नेक्स्ट जो है ना डेली वीडियोज़ आया करेंगे हर वीज़े के ऊपर। तो जो है ना मैक्सिको का व्लॉग भी आ रहा है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों भाई ट्रैवल कर रहे हैं मैक्सिको में, वो भी आपको बताएंगे एंट्री कैसे लेनी है, ट्रैवल कैसे करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।